स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हेलो मनोज, मोहित बोल रहा हूँ। कहाँ हो यार तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। संध्या भाभी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को सब सच सच बता दिया। क्या? तुम एक काम करो, जहाँ भी हो वहाँ से निकल जाओ। और सुनो, मोबाइल से प्रतियोगिता की सारी डिटेल मिटा देना। तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? अभी के अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। देखो मैं इस तरह फंसना नहीं चाहता, मैं अभी सब कुछ डिलीट करता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सेमीफाइनल राउंड की सारी जानकारी है, और ये मैं नहीं जानती कि वो कौन प्रतियोगी जिसके लिए तुम ये बेमानी करो। बताओ कौन है वो, मुझे अपना फोन दिखाओ। पकड़ो इसे। क्या हुआ मैडम, बदतमीजी की क्या? चोर है क्या ये? चोर! शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी हरकत पर। ऐसी प्रतियोगिता लोगों को एक मंच देती है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? या श्योर, थैंक यू। सर, फाइल डाउनलोड हो गई है, इसमें सेमीफाइनल राउंड की सारी डिटेल्स है। आपको क्या बोलना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, सब लिखा है इसमें। मुझे किसी भी तरह ये डिटेल्स निकालनी होगी। सुरजी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बुला लीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सर, अंदर आ सकता हूँ? हाँ मनोज, राजू। सर, रिसेप्शन पे फोन आया आपके लिए। सर, मोबाइल पे कर लेते, कौन है? सर ये तो पता नहीं, आप खुद देख लीजिए एक बार। ठीक है। किसका फोन था? नहीं सर, आपका तो कोई फोन नहीं था। अरे अभी अभी मनोज ने कहा कि मेरा फोन आया था यहाँ। मनोज? पता नहीं सर, उसने ऐसा क्यों कहा? एक्सक्यूज मी सर, सर आपने फाइल पढ़ी? कैसी लगी सर? अरे लैपटॉप पर खुली पढ़ी, अब तक पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा, लेकिन जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। आ गया बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। मनोज ने झूठ क्यों बोला इनसे? ओ मनोज, इमेट किसका फोन था? हाँ तुम कह रहे थे फोन आया था, रिसेप्शन कह रही है कोई फोन नहीं आया। फोन आया तो था, मैंने खुद बात की थी, शायद कट गया होगा। मनोज? हाँ? तुमने सर से झूठ क्यों बोला कि उनका फोन आया था? बेकार में वो परेशान हो गए। तुमसे मतलब? अपने काम पे ध्यान दो, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं, समझी?
खुद तो दिन रात फोन पे चैटिंग पे लगे रहती हो। किसका फोन आया, कौन सा फोन आया, तुम्हें कुछ पता भी रहता है? सब पता चल गया है। मैंने अभिमन्यु सर के लैपटॉप में से सारी जानकारी निकाल ली है, अभी लाके देता हूँ। एक काम करो, खाना खाने वाली जगह पे मिलो मुझे आके, सब समझा दूंगा। और सारी जानकारी मेरे फोन पे है। ठीक है। उसने अभिमन्यु सर के लैपटॉप से सेमीफाइनल राउंड की जानकारी निकालने के लिए उन्हें कैबिन से बाहर भेजा था। ये जानकारी तो किसी प्रतियोगी के काम ही आ जाती है। इसका मतलब ये मनोज ये सब किसी प्रतियोगी के लिए कर रहा है, पर किसके लिए? मुझे उस प्रतियोगी का पता लगाना होगा। उसका इस प्रतियोगिता के अंदर बेईमानी के सहारे टिके रहना बाकी और प्रतियोगी के साथ अन्याय होगा, और मैं ये अन्याय कभी नहीं होने दूंगी। भाभी, सूरज भैया को ढूंढ रहा था। पहले फोन कर लेती हूँ। बोहित, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी बताती हूँ। हेलो, योगेश जायसवाल जी। सर, मैं संध्या राठी बोल रही हूँ, आपकी प्रतियोगिता सबसे बड़ा चैंपियन की एक प्रतियोगी। सर, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। आपकी इस प्रतियोगिता के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। सर, किसी टास्क के सामने आने से पहले उसकी सारी जानकारी एक प्रतियोगी को दे दी जाती है, और वो भी आपकी ही स्टाफ का एक सदस्य मनोज कर रहा है। और अभी अभी उन्होंने सेमीफाइनल राउंड की सारी जानकारी निकाली है उस प्रतियोगी को देने के लिए। सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने मनोज की सारी बातें सुन ली है। उसने उस प्रतियोगी को मिलने के लिए फूड स्टॉल पर बुलाया है। उस एक बेईमान प्रतियोगी को छोड़कर हम बाकी सारे प्रतियोगी पूरी ईमानदारी से इस प्रतियोगिता के लिए मेहनत कर रहे हैं। सर, अब अगर ऐसे में कोई बेईमानी से आगे बढ़े तो ये हम सब के साथ अन्याय होगा, और साथ ही इस प्रतियोगिता के लिए बहुत शर्म की बात है। जी सर, हमें उस प्रतियोगी को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। जी, सेमीफाइनल राउंड से पहले। जी सर, आप यहीं आ जाइए, मैं तब तक उस मनोज को ढूंढती हूँ। जी, प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर यहीं आ रहे हैं। अब हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि वो मनोज के साथ कौन सा प्रतियोगी मिला हुआ है। मुझे इस काम में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी मोहित। सेमीफाइनल राउंड होने में बहुत कम समय बचा है, उससे पहले हमें उस मनोज को ढूंढना होगा। ये जानना होगा कि वो किस प्रतियोगी की मदद कर रहा है। वो यहीं कहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं उधर देखती हूँ। मुझे मनोज को सावधान करना होगा। अगर एक बार संध्या भाभी ने उसे पकड़ लिया तो सारी सच्चाई उगलवा लेंगी। नहीं, मोबाइल से नहीं, लैंडलाइन से फोन करता हूँ।
हेलो मनोज, मोहित बोल रहा हूँ। कहाँ हो यार तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। संध्या भाभी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को सब सच सच बता दिया। क्या? तुम एक काम करो, जहाँ भी हो वहाँ से निकल जाओ। और सुनो, मोबाइल से प्रतियोगिता की सारी डिटेल मिटा देना। तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? अभी के अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। देखो, मैं इस तरह फंसना नहीं चाहता। मैं अभी सब कुछ डिलीट करता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सेमीफाइनल राउंड की सारी जानकारी है, और ये मैं नहीं जानती कि वो कौन प्रतियोगी जिसके लिए तुम ये बेमानी करो। बताओ कौन है वो, मुझे अपना फोन दिखाओ। पकड़ो इसे। क्या हुआ मैडम, बदतमीजी की क्या? चोर है क्या ये? चोर! शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी हरकत पर। ऐसी प्रतियोगिता लोगों को एक मंच देती है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, जिसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है हर प्रतियोगी के लिए और उसके परिवार के लिए। पता नहीं इसने मोबाइल से डाटा डिलीट किया है कि नहीं। आज तुम्हारी वजह से इस प्रतियोगिता की सच्चाई इसकी पहचान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मेरा नाम ना ले ले। हर योग्य प्रतियोगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। बाबा साहब, ये मनोज किसी प्रतियोगी के लिए बेमानी करके कंपटीशन शुरू होने से पहले पूरी जानकारी उस प्रतियोगी तक पहुंचा रहा है। पर भिंदड़ी, अठे तो चार ही प्रतियोगी बचे हुए हैं। कुछ पता चला कि कौन सा प्रतियोगी उनसे मिला हुआ है? नहीं बाबा साहब, अभी ये तो पता नहीं चला है, मगर ये लोग पूछताछ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही पता चल जाएगा। देखिए, हमारी आयोजक मंडली की ओर से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा ही एक सदस्य मनोज इस प्रतियोगिता की जानकारी चोरी करते हुए पकड़ा गया। सर, कुछ पता चला कि ये मनोज सारी जानकारियां किसके लिए इकट्ठी कर रहा था? के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।